नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हैमर कैंडलस्टिक के बारे में तथा हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक के बारे में। वीडियो में हम देखेंगे कि हैमर कैंडल किसे कहते हैं, हैंगिंग मैन कैंडल किसे कहते हैं, साथ ही हम यह भी जानेंगे कि हैमर तथा हैंगिंग मैन कैंडल्स का शेप तथा साइज एक जैसा होने के बावजूद इन्हें अलग अलग नामों से क्यों पहचाना जाता है। स्लाइड पर हम दो कैंडल्स को देख पा रहे हैं। इसमें ओपन, हाई, लो, क्लोज चारों प्राइस हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कैंडल का जो ओपन प्राइस है तथा क्लोज प्राइस है उससे मिलकर के कैंडल की बॉडी बन रही है, और कैंडल की जो बॉडी है वह अपने हाई प्राइस की तरफ है। हैमर या हैंगिंग मैन कैंडल दोनों कैंडल्स एक जैसे ही दिखाई देते हैं, इनमें बॉडी तथा विक होती है। चूंकि दोनों कैंडल्स आइडेंटिकल दिखते हैं, इसलिए जब तक हम इनकी पोजीशन नहीं देख लेते हैं तब तक हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह हैमर कैंडल है या हैंगिंग मैन कैंडल है। हैमर और हैंगिंग मैन कैंडल दोनों रिवर्सल कैंडल होते हैं। ये दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं। जब तक हम इनके बनने की पोजीशन को नहीं देख लेते तब तक हम यह नहीं कह सकते कि यह हैमर कैंडल है या हैंगिंग मैन कैंडल है। यहाँ हम TTML के चार्ट में बीगली चार्ट पर हैमर कैंडल को बनते हुए देख रहे हैं। हम हैमर कैंडल और हैंगिंग मैन कैंडल दोनों के बारे में देखेंगे। यह हैमर कैंडल किस तरीके से बनती है, हैंगिंग मैन कैंडल किस तरीके से बनती है, दोनों के बनने के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, और हम इसे किस तरीके से आसानी से पहचान सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हैमर कैंडल के बारे में। जब प्राइस चार्ट पर हैमर कैंडल बनता है तो उस कैंडल को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि दिन भर में प्राइस जहां ओपन हुआ था वहां से अपने हाई के आसपास बंद हुआ है। दिन भर में प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन दिन खत्म होते होते प्राइस अपने दिन भर के हाई के आसपास आ गया। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं दिन के अंत में बायर्स ने सेलर्स के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, इसी वजह से प्राइस अपने डे लो से बढ़ता हुआ ने डे हाई की तरफ बंद हुआ है। हैमर कैंडल एक रिवर्सल कैंडल कहलाती है। अगर प्राइस चार्ट पर हैमर कैंडल एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद बने तो हम ये मान सकते हैं कि उस चार्ट पर या उस सिक्योरिटी में जो प्राइस का ट्रेंड है वह बदलने वाला है या बदल सकता है। जब हम चार्ट पर कैंडल्स को देखते हैं तो हमें हैमर जैसे कैंडल कई कैंडल बनती हुई दिखाई देती हैं। हम इन सब कैंडल्स में से किसको हैमर कैंडल कह सकते हैं, किसको हैमर कैंडल नहीं बोल सकते हैं, इसके लिए हम हैमर कैंडल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक उस कैंडल में मिलेंगे तो हम यह कह सकते हैं कि यह कैंडल हैमर कैंडल है। किसी भी कैंडल के दो पार्ट होते हैं, उसका बॉडी और उसकी विक। हैमर कैंडल में भी उसके दो पार्ट हैं, पहला है उसकी बॉडी और दूसरा है उसकी विक। हैमर कैंडल के अंदर एक छोटी बॉडी होती है और एक लॉन्ग लोअर विक होती है। यहाँ हम अपर विक को नहीं देख रहे हैं। कभी कभी किसी हैमर कैंडल में एक छोटी अपर विक होती है जो कि ना के बराबर होती है। अगर किसी कैंडल में अपर विक ज्यादा लंबी है और लोअर विक भी ज्यादा लंबी है तो हम उसे हैमर कैंडल नहीं कह सकते हैं। हैमर कैंडल की लोअर विक की लंबाई बॉडी से कम दो गुना या उससे अधिक होनी चाहिए। इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ अगर हैमर टाइप की कैंडल एक डाउन ट्रेंड के बाद बनती है तो इसे हम कंफर्म हैमर कैंडल मानेंगे, और इसका जो हाई है उसके ब्रेक होने पर इसमें हम ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। यहाँ हम इसके कलर को देख रहे हैं जो कि रेड कलर है। अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो रेड कलर बियरिश कैंडल्स को डिनोट करता है और ग्रीन कलर बुलिश कैंडल को डिनोट करता है, लेकिन हैमर कैंडल के केस में और हैंगिंग मैन कैंडल के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें कलर का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं रहता है, लेकिन अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी होती, यानी कि इसका जो ओपन है उससे ऊपर जा करके इसका क्लोज होता, तब हम इसे ज्यादा डोमिनेंट मानते बजाय इस कैंडल के। हालांकि ये भी हैमर कैंडल है, और अगर ये ग्रीन बॉडी बनी होती तो वह भी हैमर कैंडल ही होती। अब हम बात करते हैं हैंगिंग मैन कैंडल की। हैंगिंग मैन कैंडल के बनने में भी सेम साइकोलॉजी उपयोग में आती है जो कि हैमर कैंडल के बनने में आई थी। यहाँ हम इसका जो ओपन प्राइस है और जो क्लोज प्राइस है उससे मिलकर के एक बॉडी को बनते हुए देख पा रहे हैं, और जो कि कैंडल का पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट है इसकी लोअर विक जो कि अपनी बॉडी से लगभग दो गुना या उससे ज्यादा लंबा
होना चाहिए। यहाँ भी प्राइस ओपन होने के बाद और प्राइस नीचे की तरफ आया, नीचे आने के बाद दिन भर सेलर्स हावी रहे और सेलर्स दिन के लास्ट तक फिर बायर्स उसे ऊपर की तरफ खींच करके ले गए, तो जो प्राइस का क्लोज है वो है अपने हाई की तरफ भी हुआ है। अब अगर हम चार्ट पर हैंगिंगमैन कैंडल को पहचानना चाहें तो उसके लिए हमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स को देखना पड़ेगा। पहला करेक्टरिस्टिक्स है हैंगिंगमैन की जो लोअर विक है वो है अपनी बॉडी से लगभग दो गुना या उससे ज्यादा लंबाई में होनी चाहिए। यहाँ हैंगिंग मैन और हैमर दोनों कैंडल्स में ही जो अपर विक है वह ना के बराबर होती है, अगर उसे हम लोअर विक के साथ कंपेयर करें तब। अगर किसी कैंडल में अपर विक है ही नहीं तो और ज्यादा अच्छा है, अगर अपर विक है तो वह बहुत छोटी होनी चाहिए। अगर किसी कैंडल में अपर विक ज्यादा लंबी होगी तो हम उसे हैंगिंग मैन कैंडल नहीं कह सकते हैं। यहाँ हैंगिंग मैन और हैमर कैंडल दोनों को देखने पर हम ये देख पा रहे हैं कि दोनों कैंडल एक जैसी दिखाई देती है। हम इस कैंडल को हैंगिंग मैन तभी कहेंगे जब यह कैंडल एक अप ट्रेंड के बाद बने। अब हम चार्ट पर हैंगिंग मैन के और हैमर कैंडल के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि हम दोनों में कंफ्यूजन को दूर कर सकें। यहाँ हम TTML का जो वीकली चार्ट है उसको देख रहे हैं तो हमें ये एक हैमर कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है जो कि हमारी शर्तों को पूरा कर रही है। पहली शर्त है कि ये अपने डाउन ट्रेंड के बाद बन रही है। दूसरी शर्त है इसके अंदर बॉडी और एक विक है और विक की जो लंबाई है वह उसकी बॉडी से दो गुना या उससे अधिक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम एमटार टेक्नोलॉजी का। एमटार टेक्नोलॉजी के चार्ट को देखने पर हमें ये दो हैमर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहला है ये और दूसरा है ये। अब अगर हम इनके करेक्टरिस्टिक्स को देखें तो इस हैमर के केस में प्राइस ज्यादा डाउन ट्रेंड में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि डाउन ट्रेंड में है लेकिन ज्यादा बड़ी मूव मुझे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इस हैमर के केस में मुझे अच्छा डाउन ट्रेंड यहाँ दिखाई दे रहा है। दूसरा जो करेक्टरिस्टिक्स है जो कि इसकी बिक है वो अपनी बॉडी से दो गुना या उससे ज्यादा लंबी होनी चाहिए, ये दोनों ही कैंडल इस करेक्टरिस्टिक को फुलफिल कर रहे हैं। इस तरीके से अगर हम चार्ट पर पीछे की तरफ देखेंगे तो हमें कई हैमर कैंडल देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं हैंगिंग मैन कैंडल को, तो यहाँ SBI लाइव के चार्ट में मुझे ये कैंडल हैंगिंग मैन कैंडल दिखाई दे रही है। जब मैं इसके करेक्टरिस्टिक्स को मिलाऊं तो इस हैंगिंग मैन कैंडल से पहले शेयर प्राइस एक अपट्रेंड में है और इसकी जो विक है वह अपनी बॉडी से लगभग दो गुना या उससे अधिक लंबी है, तो मैं इसे एक हैंगिंग मैन कह सकता हूँ। हैंगिंग मैन का दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये मुझे दिखाई देता है BASF के चार्ट में। यहाँ मुझे ये अपट्रेंड दिखाई दे रहा है, अपट्रेंड के बाद यह जो कैंडल है वह हैंगिंग मैन बनती हुई दिखाई दे रही है। अपट्रेंड हमारा पहला करेक्टरिस्टिक्स हो गया। दूसरा करेक्टरिस्टिक्स है विक की जो लंबाई है वह अब उसकी बॉडी से दो गुना या उससे अधिक होनी चाहिए, जो कि यहाँ फिट बैठ रही है। इस तरीके से अगर हम देखें तो हैमर कैंडल और हैंगिंग मैन कैंडल दोनों एक जैसी ही दिखाई देती हैं, लेकिन ये जहाँ बनती हैं उसके आधार पर ही हम इसे हैमर कैंडल और हैंगिंग मैन कैंडल कहते हैं। हैमर कैंडल और हैंगिंग मैन कैंडल दोनों की बॉडी का जो कलर है वह ज्यादा प्रभावी नहीं होता है, हालांकि अगर हैमर कैंडल ग्रीन बॉडी बनाए और हैंगिंग मैन कैंडल रेड बॉडी बनाए तो ये ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, लेकिन अगर हैमर कैंडल रेड बॉडी की हो और हैंगिंग मैन कैंडल ग्रीन बॉडी की हो और उससे पहले जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ये दोनों फुलफिल कर रहे हों तब भी ये प्रभावी हो सकते हैं। हैमर और हैंगिंग मैन कैंडल्स दोनों ही रिवर्सल कैंडल्स कहलाते हैं। ये जब भी चार्ट पर एक प्रॉपर जगह पर बनते हैं तो वहां से प्राइस के रिवर्स होने की या ट्रेंड के चेंज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सिर्फ प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, 100% कंफर्मेशन इनसे भी नहीं आता है।